हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ बी हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, डक की प्रॉब्लम है जो मतलब कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि डक की जो पीछे बिट्स है वो चिपक जाती है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए या इस समस्या से कैसे समाधान पाया जाए। तो इसके आपके कारण है कि दवाई भी चला सकते हैं, और अगर एक दो डक में है, हमारे पास भी एक डक है ये देखिए, तो इसकी बिट जो है पीछे से ये चिपक गई है। तो अगर आपके पास अगर 500 या 600 जो बहुत ज़्यादा संख्या में डक हैं, और अगर उसमें एक दो डक या 4-5 डक में ही आपको ये वाली समस्या नज़र आ रही है, तो फिर आपको मेडिसिन नहीं चलानी चाहिए इसकी, तो सिर्फ इस तरह से इसके पीछे से जो बाल हैं वो काट देने चाहिए। ये वाली चिपकने का कारण ये होता है कि जब हम डक पानी पीते हैं तो उनके पीछे से वो भीग जाता है, और भीगे हुए बाल चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और जब वो बिट करते हैं तो वहीं पे सट कर रह जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे हटा दें बालों को, तो वो वाली समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपके डक में ज़्यादा बिट पतली हो रही है और ज़्यादा डक में चिपक रही है पीछे, तो उन्हें आप वो मेडिसिन चला सकते हैं। लेप्रामाइंड है, नॉर्फोलॉक्स है, इनको चला सकते हैं। और सब अगर नॉर्फोलॉक्स और लेप्रामाइंड चला रहे हैं तो 40 kg के ऊपर एक टैबलेट दे सकते हैं पानी में घोलकर, यह समस्या ठीक हो जाएगी। और कुछ यह 40 kg इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर हम बताएंगे कि 200 चिक्स पर देना है एक टैबलेट या 50 पर, तो उससे क्या होता है कि आपका चिक्स छोटा या बड़ा हो सकता है, तो उसमें हम सही से आपको बता नहीं पाएंगे कि कितने पीस पर दें। इससे अच्छा है कि आप केजी पर जाइए, एक डक को ले लीजिए कि उसका वज़न कितना है, तो उसके हिसाब से औसत निकालिए कि 40 kg हमारे कितने डक पर जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप दवाई चला सकते हैं। और एक दो डक में ऐसी समस्या है तो इसको ऐसे ही हटा दीजिए, ये वाली समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि ये खाएगा पिएगा नहीं, इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा क्योंकि बिट नहीं कर पा रहा है ये, इसकी वजह से ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका डक भी मर सकते हैं। तो अगर दवाइयों के बारे में हम इसके फ़ोटो या ये नहीं डाल रहे हैं, अब इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएँगे कितनी दवाई और इसके समस्या का कौन सी दवाई चलाना चाहिए, क्योंकि डक छोटे बड़े हैं, कितने साइज़ के डक हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हम अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर संजीव कुमार, कृष्णा कन्हैया नारायण और सरवन मंडल आपके पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियों इलाज करने में सहायता करेंगे। अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप पर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9791071830 है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकॉन को भी बजाएं।